वेलकम पिला माने तमा पई आउट है ऑनलाइन क्लास मने के आछी हम विजडम प्लस टू साइंस कॉलेज तरफ रु आ तुम माने को पई तुम माने जेहेतु वर्तमान समर कोर्स रे अछो तो तुम्हें माने फर्स्ट ईयर कोर्स रे आमे पाठ पढ़िबा आ हमरो लास्ट क्लास रे आमे जो डिस्कशन करथिलु अबाउट डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस आ से इनपुट डिवाइस गुडी करे आमे बहुत गुडे इनपुट डिवाइस बाबत रे पढ़ीथिलु आ आमर दुईट आउ इनपुट डिवाइस रही जाइला ता विषय आम डिस्कसन करवापर आम अलग अलग टॉपिक को जीवा तो जहाँ भी हो पे तेनालीर आम इनपुट डिवाइस आउ थे से डेफिनेशन को आम रिपीट करदे दि डेफिनेशन यह दि डिवाइसेस और दि यूनिट थ्रो व्हिच वी कैन एंटर समथिंग इनटू दि कंप्यूटर दैट डिवाइस और दोज डिवाइसेस आर कॉल्ड एज इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइसेस अर्थ जे इमितिका कंप्यूटर बहुत किसी यूनिट अच्छे बहुत किसी डिवाइसेस अच्छा जो मानक साहय कंप्यूटर भितर को किसी ना किसी एंटर कर कौन एंटर करा जाए कंप्यूटर भितर को आम कंप्यूटर डेफिनेशन में पढ़ी जे बेसिकली द यूजर कैन एंटर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर कंप्यूटर भितर को यूजर डाटा आउ इंस्ट्रक्शन एंटर करे आउ डाटा को आम दुई भाग में विभक्त करूँ गोटे सिंपल डाटा गोटे कॉम्प्लेक्स डाटा सिंपल डाटा कौन थे एंटर कराए ना आम जानू कीबोर्ड रे आम केवल सिंपल डाटा एंटर कर पारिबा आउ एग्जांपल्स ऑफ सिंपल डाटाज आर द टेक्स्ट नंबर एंड द सिंबल्स अवेलेबल इन योर कीबोर्ड तुम कीबोर्ड रे जो सिंबल अच्छे जो टेक्स्ट अच्छे जो नंबर्स अच्छे जदि से गुड़िक आम एंटर करवा तगुड़ी आम कौन कह सिंपल डाटा बोली कह खाली तो आम कंप्यूटर भितर को सिंपल डाटा एंटर कले हेनी आम बहुत आजिका डेट्रे आम जो कंप्यूटर गुड़िक व्यवहार करुच्छूँ डिफरेंट पर्पज रे लगुच एंड तुम मैंने समस्त जानी थो आम कंप्यूटर डिफरेंट काइंड रो डाटा भी यूज करमिका टेक्स्ट ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स सिनेमाज एटसेट्रा वेरियस काइंड ऑफ इनफर्मेशन और वेरियस काइंड ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर तेणु आम जो इनपुट डिवाइस गुड़िक पढ़िलु साबदे पढ़िलु आउ किसी इनपुट डिवाइस आम रहीगला से गुड़िकर प्रथम इनपुट डिवाइस ना आसा कौन जानते पे सेटा कौन ओ एम आर ओ एम आर आदि आम फुलफर्म लिखा जावा तार फुलफर्मटा यह हम ऑप्टिकल ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन और ताको आम कहीपर ऑप्टिकल मार्क रीडर ताको ऑप्टिकल मार्क रीडर बोली कहीपर कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन बोली कहीपर एक्चुअली ऑप्टिकल मार्क रीडर कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन माने कौन तार रोल कौन ना तुम मैंने समस्त देखी थो यही वर्ष जो पाने तुम क्लास टेन्थ एग्जाम तुम मैंने समस्त तुम मानक बेलू बोधे उठी जाइए से जो आम ऑप्टिकल मार्क अर्थ आम जो गोल बोलाऊ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थिला आम गोल बोलाऊ से बोधे तुम मैं बेलू उठीगला आग वर्ष तुम जो नाइन्थ तुम्हें पढ़ुल से आम ओडिशा सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन पिला गोटे एग्जाम रखी था गोटे जो बोर्ड एग्जाम रखी था 100 मार्क्स रु 50 मार्क्स पिला मल्टीपल चॉइस देवे जो थे पिला गोटे नंबर ऑफ सर्कल दिया दिज्व नंबर गोटे क्वेश्चन रे नंबर ऑफ चॉइस रहा से चॉइस भितर तुम मानते करेक्ट आंसर टाक तुमको ड्राकनिंग करवाक अच्छी ब्लाकनिंग करवाक अच्छी आउ 50 मार्क तुम्हें सब्जेक्टिव आंसर से पाने दौले तो से जो क्वेश्चन आसला तुम्हें मैंने शुणी से एग्जाम कॉपी गुड़ी किए चेक कर ना कंप्यूटर चेक कर तुम मान मन भितर हे तो धारणा थी सर कंप्यूटर हाउ दि कंप्यूटर विल चेक द कॉपीज हाउ दि कंप्यूटर विल चेक द आंसर सीट ना कंप्यूटर एक्चुअली चेक कर पार्वनी ए डिवाइस इज देयर एंड द नेम ऑफ द डिवाइस इज कॉल्ड ऑप्टिकल मार्क रीडर ताको ऑप्टिकल मार्क रीडर बोली कहा जाए ऑप्टिकल मार्क कौन ना दि मार्क व्हिच आर ड्राकनिंग बाय यू तुम जो जो नंबर ऑफ चॉइसेस भितर तुम जो ड्राकनिंग करथुलो जोटा को ब्लाकनिंग करथुलो सेई बोले मार्क गुडी को ऑप्टिकल मार्क कहा जाउतला एंड द डिवाइसेस व्हिच रीड्स दैट जो डिवाइस को रीड करथुला स्कैन करथुला चेक करथुला इवैल्यूएट करथुला सेई डिवाइस को आमे कोन कहू ऑप्टिकल मार्क रीडर बोली कहू तनो पिला माने मन रखिबो एई डिवाइस टी जस्ट लाइक ए मशीन जेरॉक्स मशीन एंड इट इज यूज्ड बाय वेरियस बोर्ड वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस टू चेक द एग्जाम कॉपी टू इवैल्यूएट द एग्जाम कॉपी ऑफ द स्टूडेंट तनो मन रखिबो एई जो डिवाइस टा केवल सेई पई यूज करा जाय टू इवैल्यूएट द आंसर सीट ऑफ द स्टूडेंट्स जो पिलाने एग्जाम दौंट मल्टीपल चॉइस दौंती यूज करा जाए आजिका डेट रे तो तुम मैंने पिलाने तुम जानवो जे तुम बैंकिंग एग्जाम हो रेलवे एग्जाम हो तुम डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम हो
किंबा मेडिकल जेई बीटेक आईआईटी ए मानक पई जो एग्जाम गुड़िक होता से गुड़िक आगु यही प्रोसेस होता एवं सब ऑनलाइन सिस्टम हो गलानी बट आजिका डेट रे यही सब जिनस आगु कौन होता ओएमआर साहजे इवालुएट कर तो केवल परीक्षा खाता को चेक करने जो एनसर सीट यूज कर जो डिवाइस यूज कर जाए एंड दिस डिवाइस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सिस्टम कंप्यूटर सहित से डायरेक्टली कनेक्ट कर डिवाइस को यूज कराता चेक करने तो मन रखिए दिस इज द डिवाइस फ्रॉम व्हिच वी कैन इवैल्यूएट द एनसर सीट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ वेरियस एग्जामिनेशन इट मे बी बैंकिंग एग्जामिनेशन इट मे बी रेलवे एग्जामिनेशन और अदर एनी एग्जामिनेशन इट वाज यूज फॉर दैट नेक्स्ट आउ गोटे डिवाइस आम पढ़ा दिस इज द लास्ट डिवाइस एंड द नेम ऑफ द डिवाइस इज कॉल्ड एम आई सी आर पिला माने कौन जानिछ एम आई सी आर जदि हम फुल फॉर्म लिखिबा को जीवा द फुल फॉर्म ऑफ एम आई सी आर इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर किंबा ताको हम रिकग्निशन बोली लिखि परिबा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कौन तुम्हें माने समस्ते घरे थिबो पिला माने जदि बापांकर बैंक रे अकाउंट थिबो आ बापा जदि चेकबुक डील करूथबे चेकबुक बापांकर थिबो देखो से चेकबुक समस्ते देखिबो चेकबुक रे तळे लेफ्ट साइड रे गुडे सिक्स डिजिट रो नंबर थिबो दैट नंबर इज कॉल्ड चेक नंबर से नंबर कथा मु तुमको एबे कहू नाही ठीक चेक नंबर परे गुडे नाइन डिजिट रो नंबर थिबो दैट नंबर इज कॉल्ड एमआईसीआर कोड ताको एमआईसीआर कोड बोली कहा जाए व्हाट फॉर द एमआईसीआर कोड इज यूज्ड जदि आमी कहिबा एमआईसीआर कोड ताको कोन पई व्यवहार करा जाए ना मन रखिबो एव्री एमआईसीआर कोड कंटेन्स नाइन डिजिट आमी जदि देखिबा ताको जदि आमी एमआईसीआर कोड को भलो भाबरे वेरीफाई करिबा ता भितरे ए जिंस अछि मु तुमको टिके बुझै दउछि तापर आमी आउटपुट यूनिट को जिबा अलगा टॉपिक को जिबा त ए जों देखु छ आमी एमआईसीआर कथा कहली ए एमआईसीआर रो काम कोन फर्स्ट कहि दउछि बेसिकली दिस टाइप ऑफ डिवाइस इज यूज्ड बाय बैंकिंग सेक्टर और अदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफिस जो ऑफिस गुड़ी करे टंका कारबार हुए नेन देन हुए बैंकिंग सेक्टर सही सेक्टर गुड़ी करे आमे जो डिवाइस टा को यूज करू टू इवैल्यूएट द वैलिडिटी ऑफ चेक्स एंड ड्राफ्ट चेक आउट ड्राफ्ट मानकर वैलिडिटी को तार वैलिडिटी ठीक अछि कि नाही करेक्ट सोर्स रो आछि कि नाही ताको इवैल्यूएट करिया पई तार वैलिडिटी चेक करिया पई जो डिवाइस को हमें व्यवहार करूँ से डिवाइस रो ना हला एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर बुझिपार पिला माने तेणु मुझे कौन कहली चेक जो तुमको गोटे चेक छोट डायग्राम करुच्छे एक्जाक्टली चेक तो करवा संभव नुह तेणु तुम भाई गोटे चेक गोटे छोट डायग्राम करुच्छे तुम देख चेक भाया सब ये लिखाई थी कि भी गोटे लिखाई थी आई तल पर्सन में ये गोटे सिक्स डिजिट फास्ट गोटे सिक्स डिजिट नंबर थी सिक्स डिजिट गोटे नंबर थी दिस नंबर इज कल्ड चेक नंबर यटा को कौन कह जाए पिला माने चेक नंबर बोली कह जाए मन रखिए चेक स्पेलिंग है CHEQUE नुह दिस चेक मीन्स टू द चेक व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक बैंक जो चेक प्रोवाइड करे से चेक रो स्पेलिंग हो छै एटा तो फर्स्ट छोटा डिजिट रो गुटे कोड थिवो दैट कोड इज कॉल्ड चेक नंबर ता माने जो चेक बुक ता तुमको बैंक प्रोवाइड कर थिवो से गुटे सीरियल मेंटेन करिया पई सेतर गुटे 6 डिजिट रो नंबर दे थिवो ता परे ठीक छोटा डिजिट जेडी सरी थिवो ता पर गुटे 9टा डिजिट रो गुटे कोड थिवो तापर गोटे 9टा डिजिट रो कोड थिबो वर्तमान पढ़ा से 9टा डिजिट कौन एक्चुअली से 9टा डिजिट को देखिले तुमर जदि कौनसी बैंकिंग सेक्टर विषय जस्ट अल्प टिके खाली आईडिया थिबो तुम्हें से 6टा डिजिट को देखिले तुम्हें इजिली यू कैन इजिली फाइंड आउट कौ बैंक रो चेक सेटा कौ जिला रो बैंक सेटा आउ कौ ब्रांच रो बैंक सेटा से 9टा डिजिट ताकु ही मीन करे तेणु कह सर एटा जदि आम खाली आखिरी देखिक कहीदे पारा तो ह्वाट इज द निड अफ दिस डिवाइस ए डिवाइस रो कौन आवश्यकता अच्छी ना डिवाइस रो आवश्यकता अच्छी कहीं ना आज सीना आम पाखे बालेश्वर जो बैंक गुड़िक अच्छा से पाखे प्रत्येक दिन अति बेस शहे और देरश चेक क्लीयरेन्स आसुव बट मेट्रो सिटीज गुड़िक गोटे गोटे दिन थाउजेंड्स ऑफ चेक्स आसे क्लीयरेन्स एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ए बैंक एम्प्लॉई टू इजिली चेक दैट चेक दोज चेक्स एंड फाइंड आउट इट्स करेक्टनेस तार करेक्टनेस को फाइंड आउट करने चेक करने जड़े गोटे साधारण बैंक एम्प्लॉई पक्षे के पसबल हो पारे ना सो दैट डिवाइसेस इज यूज टू verify those things se jinse gudi ko verify kariya pai se device ko use kara jae tenu bartan ame dekhiba se jo 9ta digit achi what is the meaning of those 9 digits se 9ta digit ro role kon na dekho ame kon kariba se 9ta digit ko gute example hisab re naba dekho dharo tu mo pakhre 9ta digit achi 9ta digit ko mu ebe blank kar dou chi 1 2 3 4 5 6
सात आठ नौ नौटा डिजिट अच्छी तेनाली देखा नौटा डिजिट रोल कौन ना प्रथम देखा ये फास्ट तीन टा डिजिट कथा कह फास्ट तीन टा डिजिट कथा कह फास्ट तीन टा डिजिट कौन यूज कराए ना दिस डिजिट मीन्स टू ये डिजिट कौन यूज कराए ना लोकाल मन रख देखुची फास्ट थ्री डिजिट ऑफ लोकल फास्ट थ्री डिजिट ऑफ लोकल पोस्टल पोस्टल इंडेक्स नंबर लोकल फास्ट थ्री डिजिट ऑफ लोकल पोस्टल इंडेक्स नंबर तो मैंने समस्त जानी थी वो आमो पाखरे गोटे पिन कोड थाय आमो पाखरे कौन थाय ना गोटे पिन 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 कोड गोटे थाय ठीक अछि आमे समस्त जानचु आमर पोस्टल पिन कोड जेमतिका बालेश्वर पिन कोड हला 7506001 जदि बालेश्वर लोकालिटी पिन कोड देखियो 7500001 तनो बालेश्वर जिल्ला रो जेते बैंक सबु बैंक रो प्रथम कोड 75600% थिबो तमे जदि जेकोनसी चेक बुक आनो बालेश्वर जिल्ला रो जेकोनसी बैंक रो देखियो तार फास्ट जे नोटा डिजिट कहली ते नोटा डिजिट प्रत्येक बैंक रो फास्ट तीनटा डिजिट 756 थिबो ताले 756 माने कोन ना 75 दिस इज द कोड ऑफ उड़ीसा ओडिशा रा कोड होची 75 तमे ऑल ओवर ओडिशा रा जेकोनसी पोस्ट ऑफिस को जाओ देखिबो 75 रु स्टार्ट हेतिबो आमो बालेश्वर पिन कोड हला 756001 मयूरभंज रो पिन कोड हला 757001 रु स्टार्ट त 757 मींस मयूरभंज 75 कंपलसरी फॉर ऑल द ओडिशा पोस्टल ऑफिस आउ तापर जिला को डिफाइन करा जिवो 756 हला तमर बालेश्वर 757 हला मयूरभंज आउ जदि तमे भुवनेश्वर देखिबो देखिबो लिखाई थिबो 751 थिबो 751 थी भुवनेश्वर तो 751 रु स्टार्ट हुए 75 हूँ ओडिशा पाई तेणु आम जब बालेश्वर जेकोसी बैंक बैंक चेक बुक को जी 756 कंपलसरी थी फास्ट तीन टा डिजिट एक्चुअली 7501 किंतु आम बालेश्वर सीना 7501 आम जब बस्ता पलैवा 7502 जब जामशुली पलैवा 7508 तेणु यही नंबर सब अच्छे जलेश्वर गले अलग नंबर थी 032 बोधे अमरदार 02030 अमरदार यहाँ सब डिफरेन्ट कोड सार दे तो जहाँ भी हो बालेश्वर जिलार जेकोसी बैंक को जाओ भोगराई ब्रांच को जाओ बालेश्वर ब्रांच को आस एपटे तुम चांदीपुर जाओ सेपटे नीलगिरी जाओ जेकोसी ब्रांच सोर जाओ जेकोसी ब्रांच गले फास्ट तीन टा डिजिट थी यही तीन टा डिजिट कौन यूज कराए ना तुम लोकालीटी जानापी कौ जिलार चेक जानापी यही तीन टा डिजिट यूज कराए तेनाली मयूरभंज जेकोसी बैंक को जीव निश्चित थी 757 100% थी भल भाव में चेक कर तुम जो अंचल पिला होना कहीं जब बापा चेक बुक थाए कि कौन से रिलेटिव्स रे जो मैंने तुम नियरेस्ट अच्छा चेक बुक भी तुम चाहिए चेक करपर जा सेकेंड तीन टा डिजिट को जीवा यो सेकेंड तीन टा डिजिट को जीवा यहाँ कौन यूज कराए ना दिज थ्री नंबर्स और थ्री डिजिट्स आर यूज टू फाइंड आउट व्हाट इज द नेम ऑफ द बैंक बैंक गोटे बैंक को जानापी गोटे कौ बैंक चेक बोली जानापी आम से फाइंड आउट यूज करमी जापर सर कौ बैंक फर एक्जाम्पल तुमको सर कौ बैंक केमी जाना ना आमर स्टेट बैंक रो कोड है स्टेट बैंक रो कोड है 002 स्टेट बैंक रो कोड है 002 जदि तुम पंजाब नेशनल बैंक कथा कह जब तुम यूको बैंक कथा कह तार गोटे अलग कोड थी तेणु ऑल ओवर इंडिया जेकोसी स्टेट बैंक को जाओ जेकोसी स्टेट बैंक चेक को जाओ यही मझी तीन टा डिजिट समस्त सामान थी बिकज दिस इज द नंबर व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक का एक बाप होता है उसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं बुझीपालना पे मैंने तेणु रिजर्व बैंक इंडिया जिते बड़े कौन से बैंक खोलिया परमिशन दिए ए नंबर इज प्रोवाइडेड बाय दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करे ए जो 002 दिस इज द सीरियल नंबर ऑफ द स्टेट बैंक व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तेणु यहाँ को आम लिखिपर बैंक कोड प्रोवाइडेड बाय आरबीआई व्हिच स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुझिपाल तेनाली लिखाई थी 7500002 ताने बालेश्वर स्टेट बैंक बालेश्वर जिलार स्टेट बैंक ताको हमें मीन कले बाकी रहा धरतु आम गोटे पर्टिकुलर ब्रांच आउ जो तीन टा डिजिट रहा से कौन ये जो तीन टा डिजिट रहा यह तीन टा डिजिट कौन ना ब्रांच कोड प्रोवाइडेड बाय मेन ब्रांच प्रोवाइडेड बाय मेन ब्रांच बुझीपाल पाने धरतु बालेश्वर जब आम मेन बालेश्वर मेन ब्रांच कौटा बालेश्वर मेन ब्रांच है देखो तुम आरमा होटेल आगे जो आमर की रोड से कह
हाँ हाँ विवेकानंद मार्ग, विवेकानंद मार्ग से देख गोटे आम ठीक चिड़िया पुल पाखे अच्छी से मेन ब्रांच तेनाली तार जब तार कोड देखा से थी 001 अर्थ ये सीरीयल नंबर को देखिले तुम्हें इजिली कहीपर दिस इज द ब्रांच अफ आम जो चिड़िया पुल पाखे जोड़ा कहली मेन ब्रांच एंड दिस इज द स्टेट बैंक ब्रांच एंड दिस इज द बैंक अफ बालेश्वर एटा बालेश्वर बैंक बालेश्वर स्टेट बैंक जेटा कि 001 जो तुम कह सर आम भोगराई गोटे ब्रांच अच्छी भोगराई गोटे ब्रांच रेक देखा तार कौन सी ना तार सीरीयल तो एक्जाक्टली मुझे धरतु जब भावि ना से 32 नंबर सीरीयल बैंक होती लिखाई थी 032 आगुड़ी सब सामान रहा बुझिपार तेणु बालेश्वर जिलार जी स्टेट बैंक थी केवल यहीटा भेरी कर सब गुड़िक सामान रही आम गोटे अलग कै बैंक को जी गोटे अलग कै बैंक को जी आमर एटा हुए तो सामान हो पाए कि एगुड़ी सामान हम ना यही सामान हम कि सामान हम ना बुझिपार तो यही वे आम यही नंबर गुड़ी आम खाली आखिरी देखिकी प्रोवाइड करवा खाली आखिरी देखिकी भेरीफाई करवा पॉसिबल हो पारना तेल कौन कर जगह ना से आम गोटे मेसीन यूज करूँ से मेसीन रहा है MICR व्हिच स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर तेणु पाने तुमको से जिनसा जस्ट खाली रिपीट कर दूसरे आम अलग टपिक को जी मन रख MICR व्हिच स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर दिस इज द डिवाइस व्हिच इज यूज इन डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स to evaluate, to check to the validity of the check. ए चेक मानकर validity को चेक करिया पई को ब्रांच रो चेक को बैंक रो चेक अब आउ एटा होची रिजर्व बैंक द्वारा एटा अप्रूव हे छि कि नै ए सब जिनिस को चेक करिया पई जो डिवाइस ता यूज करा जे ते डिवाइस रो ना हला MICR आ प्रत्येक चेक धेरे जो 9टा डिजिट अछि ताको भलो भाबरे डिफाइन कर देली प्रथम 3टा डिजिट होउची केवल लोकल पोस्टल इंडेक्स नंबर रो फर्स्ट 3टा डिजिट सेकंड होउची दिस इज द कोड व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आउ थर्ड जो डिजिटा यहाँ हूँ जदि बालेश्वर स्टेट बैंक 32टा सीरीयल थी तेल 001 रु मैक्सिमम 032 पर्यटन जीव ये आम भल भाव चेक कर पारा तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस यूज इन कंप्यूटर्स हाँ आउ गोटे कथा तुमको ये कहीदेवी जो मुझे इनपुट डिवाइस गुड़िक विषय में पढ़ेली से गुड़िक भितर आम केवल दुईटा डिवाइस को कंप्यूटर बेसिक इनपुट डिवाइस कह सेगुड़िकला कीबोर्ड आउ माउस तुम आजिका डेट्रे पाने जेकोसी जगह को जाओ जो जगह तुम कंप्यूटर देखुच देख से जगह कंप्यूटर दुईटा डिवाइस निश्चित थी गोटे कीबोर्ड थी गोटे माउस थी बिकज विदाउट बोथ दिस डिवाइसेस ये दुटा डिवाइस को छाड़देबा तो आम कंप्यूटर सहित इजिली कम करना आउ रही जो अगर जो डिवाइस मुझे 12-13टा डिवाइस बाबद तुमको कहली आउ जो डिवाइस गुड़िक रहीगला से डिवाइस गुड़िक कौटी यूज हम आउ किए यूज कर सर डिपेंड करे तार कंप्यूटर को सी कौ पर्पज्रे यूज करुच फर एग्जांपल जदि मुझ स्टूडियो जी स्टूडियो देखो जो लोग तुम फटोटा उठे फटोटा को तुमको प्रिंट करके दब निश्चित पाखे कंप्यूटर कीबोर्ड गोटे माउस गोटे लगे सहित सर गोटे डिजिटल कैमेरा थी सहित गोटे स्कानर थी कहीं सेगुड़िक से डिवाइस गुड़िक व्यवहार कराए जदि कह ना आम डिजिटल कैमेरा घरे यूज कर कर किसी असुविधा ना कि एक्चुअली सेगुड़िक यूज कराए से ही जगह यूज कर जो जगह तार व्यवहारिक गुण रही कि आम जो जगह व्यवहार करूँ जगह यूज करें जो गोटे जी अलग जो आम कहली जो आम जो आम OBR ऑप्टिकल बारकोड रीडर जोटा कहली जोटा कि आम बहर पचपटे जो लाइन लाइन थाए रीड करने जो तुमको लास्ट क्लास में कही तो सेगुड़िक कौन सेगुड़िक सपिंग मल यूज हुए सेगुड़िक आम यूज करवा पोस्ट ऑफिस रे यूज करवा सेगुड़िक बैंक रे भी किसी बैंक रे भी यूज करा जाए तो तार व्यवहारटा से सब सेक्टर उपरे डिपेंड करे किंतु कंप्यूटर दुईटा डिवाइस सब बेले कंपलसरी लगी थाए गोटे कीबोर्ड एंड माउस सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस यूज्ड इन कंप्यूटर नाउ वी विल डिस्कस अनदर इंपोर्टेंट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइस एबे आमे आउटपुट डिवाइस बाबद डिस्कशन करिबा तेणु आम देखा आउटपुट डिवाइस कौन देख पाने कंप्यूटर डेफिनेशन आम पढ़ी कंप्यूटर डेफिनेशन आम गोटे बढ़िया कथा आम डेफिनेशन शिखीलु जो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच टेक्स डाटा व्हिच टेक्स डाटा माने कौन जी डाटा नब क्या नब यूजर ठू नब केमी नब इनपुट डिवाइसेस मध्यम नब अच्छा डाटा नहीं सारापर हाउ मैंने कंप्यूटर कौन कर डाटा को रखा कंप्यूटर टेक्स द डाटा फॉर प्रोसेसिंग कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करने डाटाटा को रिसीव कर इंस्ट्रक्शन टाक रिसीव कर क्या रिसीव कर यूजर टू रिसीव कर एबे क्वेश्चन आसला आफ्टर प्रोसेसिंग कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग कर सारापर कंप्यूटर कौन करना सी आउटपुट प्रोवाइड करिवो
इनफॉरमेशन प्रोवाइड करिवो कहाँ को प्रोवाइड करिवो यूजर को प्रोवाइड करिवो केमिति प्रोवाइड करिवो ना प्रोवाइड करिया पे जो डिवाइस ता दरकार हबो द नेम ऑफ दैट डिवाइस इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस तनो डाटा नै साला परे इंस्ट्रक्शन नै साला परे कंप्यूटर कोन करिवो ताको ताको डिस्प्ले करिवो कि कोन करिवो से बाबत रे हमें पढिबा त एबे लिखिबा आउटपुट यूनिट कोन ना मन रखिबो आउटपुट यूनिट इज द डिवाइस आउटपुट यूनिट इज द थिंग्स और यूनिट थ्रू व्हिच वी गेट द डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर वी गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर वी गेट रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर वी गेट समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर कंप्यूटर पाको आमे कंप्यूटर को जहाँ इच्छा दे देले जे कथा कहितली GIGO गार्बेज इन गार्बेज आउट अर्थ जदि आमे जहाँ एंटर करिबा आमे कंप्यूटर टू सेइ बळे जिंसटे पाइबा तेणु आम कंप्यूटर भितर को जो जहाँ भी डाटा आम एंटर करदेलु इनस्ट्रक्शन एंटर करदेलु इनस्ट्रक्शन एंटर कर सारा पर कौन हम ना आम से किसी पाइबा किमी पाइबा ना द डिवाइस व्हिच हेल्प्स अस टू प्रोवाइड द आउटपुट और द डिवाइस व्हिच हेल्प्स अस टू प्रोवाइड द इनफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइस जो डिवाइसटा कंप्यूटर भितर आमको किसी पाइबापी आमको हेल्प कै कंप्यूटर भितर को आमको किसी दिए आम कौन कहवा आउटपुट डिवाइस कह तो लिखा जो तर डेफिनेशन लिखा यह लिखा आफ्टर प्रोसेसिंग व्हाट ए कंप्यूटर प्रोवाइड्स अस कॉल्ड एज आउटपुट बुझिपाल पिला माने जे डाटा प्रोसेसिंग परे कंप्यूटर हमको जहाँ भी प्रोवाइड करे ताको हमें आउटपुट बोली कहू तन आउटपुट कौन ना आउटपुट इज द थिंग व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग परे हमको कंप्यूटर जहाँ प्रोवाइड करे ताको हमें आउटपुट बोली कहू आउटपुट इज ऑफ टू टाइप्स पिला माने मन रखिबो आउटपुट को मुख्यतः तो दुई भाग रे विभक्त करा जाए गोटे हला सॉफ्ट कॉपी आउटपुट मन रखे पिला माने गोटे हला सॉफ्ट कॉपी आउटपुट आउट हला कौन आउट हला हार्ड कॉपी आउटपुट मन रखे पिला माने गोटे हला सॉफ्ट कॉपी आउटपुट आउट हला हार्ड कॉपी आउटपुट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कौन ना सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हला देखो ए जो वीडियो क्लास रे रेकॉर्ड होचु तुम जतले यूट्यूब रे ताको छाड़ दिया होची तुम माने केमते देखुचो तुम बही खातर देखुचो के क्लास कि ना तुम देखिया पई कौन यूज करुचो तुमर स्मार्टफोनटा यूज करुचो किंबा तुम कंप्यूटर किसी पिला जदि लैपटॉप थिबो लैपटॉप घरे भी तुम यूज कर पार तेणु से कौज कौन द थिंग्स व्हिच आर यूज और द आउटपुट व्हिच आर डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर जो आउटपुट गुड़िक देखापी आम मॉनिटर को व्यवहार करूँ है कि जो आउटपुट गुड़ाक आम देखिपरिया बट आम छुई पारा ना जोटा तुमको सफ्टवेयर डेफिनेसन कही सामान डेफिनेसन लगीना पूर्व सफ्ट है कि पूर्व सफ्ट लगी तेणु से ही सामान डेफिनेसन सफ्टवेयर डेफिनेसन कौन कही दिज आर द थिंग्स टू व्हिच वी कैन सी बट वी कैन नॉट टच आम जहाँ को देखिपर बट छुई पारा ना से गुड़क आम सफ्टवेयर बोली कहूँ तेनाली जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट भी सही समान जिनस जे आउटपुट को आम देखिपर बट ताको आम छुई पारा ना से भाया आउटपुट को आम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट बोली कहू बुझिपार मन रखिबो आउटपुट इज ऑफ टू टाइप्स वन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट एंड द एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इज कॉल्ड मॉनिटर पिला माने मन रखिबो एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कौन ताना हला मॉनिटर इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट तापर जदि आमे देखिबा को जिबा हार्ड कॉपी आउटपुट बाबद देखिबा को जिबा हार्ड कॉपी आउटपुट कहा कहिबा ना सेही समान जिंस हार्डवेयर डेफिनेशन को पळेबा हार्डवेयर डेफिनेशन रे कोन कहा गला ना द थिंग्स टू व्हिच वी कैन सी एंड वी कैन टच आर नोन एज हार्डवेयर दिस इज द थिंग कंप्यूटर जो पार्टा को आम देखिपर आउ छुई पारा आम हार्डवेयर बोली कहवा तेनाली हार्ड कॉपी आउटपुट से ही भाया दि आउटपुट टू व्हिच वी कैन सी एंड वी कैन टच जो आउटपुटा को आम देखिपर आउ छुई पारा आम हार्ड कॉपी आउटपुट बोली कहवा एंड दि एग्जांपल ऑफ हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस इज कॉल्ड एज प्रिंटर बुझिपारे कि नहीं एटा हला कौन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस रो एग्जांपल हला मॉनिटर आउ हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस रो एग्जांपल हला कौन प्रिंटर मन रखियो पिला माने आउटपुट इज वेरी इंपोर्टेंट एज लाइक इनपुट आमर इनपुट भाया आउटपुट भी अधिक इंपोर्टेंट कहीं जब आम इनपुट दबा आउटपुट हूँ आम पाई ना तो से भाया कंप्यूटर को आम यूज नक भल तेणु मन रखियो आउटपुट बेसिकली आउटपुट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हार्ड कॉपी आउटपुट द आउटपुट व्हिच आर प्रोवाइडेड थ्रो मॉनिटर इज कॉल्ड एज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट एंड द आउटपुट व्हिच आर प्रोवाइडेड थ्रो प्रिंटर इज कॉल्ड एज हार्ड कॉपी आउटपुट तेणु बर्तमान
आम मॉनिटर बाबद डिस्कशन करने प्रिंटर को जी प्रथम देखा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस एग्जांपल ने कौन मॉनिटर को ने सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस रो एग्जांपल हिसाब से ने प्रथम देखा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कौन ना सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देख ये मॉनिटर बाबद तुमको कहूँ तुमको फर्स्ट क्लास कही टेक्निकल नेम ऑफ मॉनिटर इज कॉल्ड एज VDU मॉनिटर टेक्निकल नेम टा होची VDU व्हिच स्टैंड्स फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट तुम्हें कह सर एटा को ताले काहे कि मॉनिटर बोली को आ जाउछु आ तार आंसर भी मु तुमको दे सारछि तथापि आउ थरे रिपीट कर दउ छी आरो आको काहे कि हम मॉनिटर बोली कहू बिकॉज दिस इज द डिवाइस व्हिच मॉनिटर ऑल द एक्टिविटी व्हिच मॉनिटर्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द यूजर व्हेन यूजर एंटर समथिंग दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड व्हेन यूजर वांट्स टू गेट समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर दैट ऑल्सो डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन यूजर जत कंप्यूटर भितर को किसी आम देख तुम देख पाने जितेबाला आम कीबोर्ड में ए एंटर करू तर मॉनिटर में एटा डिस्प्ले हुए ना नहीं मॉनिटर एटा डिस्प्ले हुए ना नहीं डिस्प्ले हुए जितेबाला आम कंप्यूटर को किसी देखापी चाहबू से आम मॉनिटर में डिस्प्ले हुए बिकॉज़ दिस डिवाइस मॉनिटर्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द यूजर दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन हियर मॉनिटर से नाटा मॉनिटर बोली दिखाई आउ भिडा कौन विजुअल डिस्प्ले यूनिट जदि आम रंग दृष्टिकोण देखा जावा दि मॉनिटर और दि वीडियो इज ऑफ टू टाइप्स तुम जान रखा दरकार रंग दृष्टिकोण मॉनिटर को दुईटा डिवाइड फ्रॉम दि कलर पॉइंट ऑफ व्यू ए मॉनिटर ए कंप्यूटर मॉनिटर इज डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स दुईटा भाग में विभक्त कराई तुम घर तुम तो सब 20th सेंचुरी पिला अर्थ आम विंश शताब्दी एक विंश 21st सेंचुरी भूल कहली 21st सेंचुरी पिला तुम्हें ब्लाक एंड व्हाइट टी कौन जान न बट ब्लाक एंड व्हाइट मॉनिटर निश्चित ए ब्लाक एंड व्हाइट मोबाइल निश्चित देखते तेनाली आम जो सान सान होती से आम जो गाँव में जो टी देखु घर तो टी ना गाँव में जो टी देखु से कलाधला टी आलाधला टी देखापी भी प्रबल चैलेंज लगुला किए जा आगे बस कि सी जहाँ भी हो तेणु से जो से टी थी ब्लाक एंड व्हाइट टी आजिका डेट में जो टी गुड़ी आसला एलईडी HDF केत प्रकार सब टेक्नोलोजी एड हो सब आसला प्लाज्मा प्लाज्मा दुनिया टेक्नोलोजी एड हो आसला सी जहाँ भी हो तेणु से जो कहली जे गोटे है कलाधला आउ गोटे रंगीन आज जो टी गुड़ी आम देखु एगुड़ी रंगीन टी कौ तेनाली जो मॉनिटर सेमती का मॉनिटर आम घरे टीर काम जहाँ मॉनिटर काम से तो ह्वाट इज द तुम कह सर तेल ह्वाट इज द डिफरेंस बिटवीन टी एंड मॉनिटर आम गोटे टी को मॉनिटर करें ये टी को गोटे मॉनिटर करमी कर जस्ट कहूँ कल टे डिफाइन करदे आम जाए मॉनिटर ये जो कहली मॉनिटर फ्रॉम द कलर पॉइंट ऑफ व्यू ए मॉनिटर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स वन इज कॉल्ड मोनोक्रोम मॉनिटर मन रखिबो ठीक है टर्म गुड़ा पिला माने मन रखिबो एटा को आमे तमे कलाधला बोली कहि पारो बट द टर्म इज देयर गुटे टर्म ता पई अछि द टर्म इज कॉल्ड मोनोक्रोम मॉनिटर एंड अनदर मॉनिटर इज देयर व्हिच इज कॉल्ड एज कलर मॉनिटर तो माने कहबो सर कलर स्पेलिंग हला COLOR COLOUR ना एक्चुअली कोन की अमेरिकन इंग्लिश रे COLOUR आउ जदि आमे सॉरी अमेरिकन इंग्लिश रे होछ COLOR आउ आमे जो इंग्लिश आमे पढ़ु ब्रिटिश इंग्लिश से इंग्लिश होछ COLOUR तेणु जेहेतु आमको इंग्रेज मैंने शासन करके जाइए आम COLOUR कहूलु ए कंप्यूटर जुग हो गलानी एंड मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर्स आर कौन डिजाइन एंड ब्रॉट अप फ्रॉम द अमेरिका तो अमेरिकन इंग्लिश रे कंप्यूटर गुड़ी डिजाइन करा हुची तुम जब कंप्यूटर में लिखिदेव COLOR तो गोटे डॉटेड लाइन कंप्यूटर से जो वार्ड तले आसी माने से भूल नुहे कंप्यूटर कहूँ ता लांगुएज में भूल बट तुम्हें COLOR लिखले भी ठीक हम COLOUR लिखले भी ठीक हम तेणु मन रख गोटे मोनोक्रोम मॉनिटर गोटे कलर मॉनिटर मोनोक्रोम मॉनिटर प्रोवाइड्स ब्लैक एंड व्हाइट आउटपुट और कह जाए बाइकलर आउटपुट बाइकलर मैंने दुईटा कलर ये मोनोक्रोम मॉनिटर दुईटा कलर प्रोवाइड करे गोटे ब्लैक गोटे व्हाइट जब व्हाइट बैकग्राउंड थी तो ब्लैक फोरग्राउंड रही है जब ब्लैक बैकग्राउंड थी तो व्हाइट फोरग्राउंड रही है ये मोनोक्रोम मॉनिटर कलर आउटपुट प्रोवाइड करे आउ जो गोटे मॉनिटर आसला कलर मॉनिटर ए कलर मॉनिटर कौन ना दिस मॉनिटर प्रोवाइड्स मल्टी कलर आउटपुट मल्टी कलर आउट मैंने बुझीप तो एकदम एक रु अधिका कलर दुई रु अधिका कलर थाउजेंड्स ऑफ कलर्स आर देयर तेरे सर कि आश्चर्य कथा आप थाउजेंड कलर कौट आने आम तो पढ़ी बाघ निश हलाना भिविगियर पढ़ी ये थाउजेंड्स ऑफ कलर्स कार्ड आसला ना थाउजेंड्स ऑफ कलर्स कंप्यूटर पे व्यवहार कराए तुम समस्त ग्राफिक्स कार्ड बाबद शुनि थो तुम जी कह सर मो ग्राफिक्स कार्ड हूँ के 16 धरत आम कह 8 बिट ग्राफिक्स कार्ड 8 बिट ग्राफिक्स कार्ड ता माने जानिछो 8 बिट ग्राफिक्स कार्ड माने दिस कंप्यूटर कैन डिस्प्ले 2^8 इक्वल टू 256 नंबर्स ऑफ कलर्स जो कंप्यूटर रो ग्राफिक्स कार्ड 8 बिट्स थिवो सेई कंप्यूटर 256 टा कलर डिफाइन करिवो
256 टा कलर डिस्प्ले हबो आ जोटा 16 बिट थिबो जोटा 16 बिट थिबो तमे 2 टू दी पावर 16 हेले केता हो जानचो 65536 दिस नंबर दिस मच ऑफ कलर कैन बी डिस्प्लेड बाय ए कंप्यूटर गुटे कंप्यूटर सेति के डिस्प्ले करि परिबो आ आजिका डेट रे एउटा चालू नाही एउटा पुरुणा हे गेलै आजिका डेट रे आसलानी केता जानचो ना 32 64 128 ता माने चिंता करो 2 टू दी पावर 128 हेले केते नंबर ऑफ कलर डिस्प्ले हबो सेति पे बेले बेले तमे देखिबो तम कंप्यूटर को गोटे गेम खेलो से गेम टाइम सपोर्ट करो ना लिख ग्राफिक्स कार्ड रिक्वायर्ड अर्थात तुम्हें ताठू अधिक पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड जब इनस्टल कर कलर को सपोर्ट कर देन से गेम टा तुम कंप्यूटर चलो ना कंप्यूटर चली पार ना दिस इज द रीजन व्हाई ग्राफिक्स कार्ड आर रिक्वायर्ड से ग्राफिक्स कार्ड टा दरकार पड़े जहाँ भी हो मन रख दि कलर मॉनिटर प्रोवाइड मल्टी कलर आउटपुट दिस इज द टर्म दिस इज द जो दुटा टर्म कहली फ्रम दि कलर पॉइंट ऑफ व्यू रंग दृष्टिकोण मॉनिटर को दुईटा पार्ट रे डिफाइन करवा गोटे मनोक्रम मॉनिटर आउ गए कलर मॉनिटर तापर देखा फ्रम दि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू फ्रम दि कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू जे आम कंप्यूटर मॉनिटर गठन दृष्टिकोण तार नुआ नुआ टेक्नोलॉजी दृष्टिकोण केते भाग रे विभक्त कराउ से विषय खाली देखीदबा तेणु आसला प्रथम फ्रम दि कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू हाँ तेणु आम रंग दृष्टिकोण तो कही फ्रम दि कलर पॉइंट ऑफ व्यू वर्तमान देखा कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू और टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू आम मॉनिटर को केतरा कैटेगरी डिवाइड करुचु ना जदि आम सेमती देखा तेनाली फास्ट आसो आम सीआरटी मॉनिटर कौन ना तार पूरा ना देखा जाटा हम कौन कैथोड रे ट्यूब मन रख पे कैथोड रे ट्यूब एटा जान तुम पे देखी थ जे तुम घरे आगर जो पुराणा टीवी थिला आज का डेट रो तो एलसीडी एलईडी टीवी आसला पुराणा टीवी जो थिला जार पछटा एमती टीवी टा बसथिबो ता पछटा एमती लंबी आसथिबो पछबो हैला कि सेटा होची कोनो सीआरटी मॉनिटर ता को जाय तार फुल फॉर्म हैला कैथोड रे ट्यूब तापर की मॉनिटर आसला तापर आसला एलसीडी मॉनिटर आसला कोनो एलसीडी जार पुरा ना हैला लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ए गुडीको पुरा ना गुडीको खाली लेखिनियो बाकी तुमर जते ऑनलाइन क्लास हम रेगुलर क्लास हबो ए बाबद भी पढ़ा आर कंस्ट्रक्शन केमिति का कौन टेक्नोलॉजी यूज कर तार मेरीट्स कौन डिमेरीट्स कौन से बाबद डिटेल्स पढ़ा तेनालीराम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहुए कौन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहुए नेक्स्ट आसला नंबर थ्री आसला कौन एलईडी पे मन रख स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड आपको कह जाए कौन आपको कह जाए एलईडी आज का डेट रे जो तुम मैंने सब एलईडी टीवी यूज करुच एलईडी बल्ब यूज करुच एलईडी रो डिफरेंट डिफरेंट सब नुआ नुआ डिवाइस आसला कह जाए एलईडी आउ लास्ट जेटा देखिबा आम कहू प्रोजेक्शन डिस्प्ले कौन कहू प्रोजेक्शन डिस्प्ले बेसिकली प्रोजेक्शन डिस्प्ले गुड़ी कौन पे यूज कराए ना देख धरतु मो पाखे दुई जन पिला अच्छा तीन जन पिला अच्छा गोटे छोट मॉनिटर मुझे वीडियो देखे पारि कि तुम पाखे गोटे छोट मोबाइल अच्छी तुम भाई भौणी दिज कि दुई भाई तुम बस कि मोबाइल टे देखु बट जदि तुम पाखे शहे जन लोक रखे शहे जन लोक थे तुम से छोट मोबाइल देखिपर कि तुम छोट गोटे मनिटर देखिपर कि देखा कभी पसबल हो पार ना तेना से जगह से पिक्चर टा को तुमको बड़ करा पड़ो पिक्चर टा केमी बड़ कर ना पिक्चर टा बड़ करने तुम्हें प्रोजेक्शन डिस्प्ले आवश्यकता अच्छी ये प्रोजेक्शन डिस्प्ले कथ कौ पे ए प्रोजेक्शन डिस्प्ले टा यूज करा जाए कौन थे ना तुम देखो सिनेमा हॉल तुम मान भितर जो मैंने सिनेमा हॉल जाइ थिबो किबा बड़ बड़ मीटिंग हॉल ले पसी थिबो किबा जदि तुम कॉलेज रे विज्ञान मेला रे स्कूल रे जो विज्ञान मेला साइंस एग्जीबिशन हुए देखिबो सही थरे गुटे छोट एडिगोटे डिवाइस गुटे कांथो को पकेई थिबे किबा गुटे परदा टाणी की स्क्रीन टाणी की से वीडियो गुडी को देखौतबे सही जो डिवाइस टा ताको प्रोजेक्टर बोली कहा जाए एक्चुअली दैट डिवाइस इज कॉल्ड मिनी प्रोजेक्टर बट जोटा फिल्म हॉल रे यूज हुए बड़ प्रोजेक्टर बोली कहा जाए और प्रोजेक्टर साहय गोटे आउटपुट टाक बहुत लोक मेरे एका सागर तुम देखे थोड़ा फिल्म हल्ले 200-300 लोक बसिक देखती बड़ बड़ फिल्म हल्ले भी 500-700 लोक बसिक भी देखती केमी पसिबल हुए ना दिस इज पसिबल बिकज अफ दिस डिवाइस इज कल्ड प्रोजेक्शन डिस्प्ले तेना प्रोजेक्टर इज द डिवाइस थ्रू व्हिच वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द पिक्चर एमंग वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द इनफर्मेशन आउटपुट एमंग मेनी पीपुल बहुत लोक आगे बसथे सेगुड़ी डिस्प्ले तेनाली बाबद आर मेरीट्स डिमेरीट्स एगुड़ी आम पढ़ा खाली ना गुड़िक मन रख तार फुल फॉर्म गुड़िक मन रख फ्रम दि कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू फ्रम दि टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ए मॉनिटर इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स वन इज कॉल्ड सीआरटी कैथोड रे ट्यूब
another is called LCD liquid crystal display, third is the LED light emitting diode, and last one is called as projection display. So this is all about different types of soft copy output device. Ebe jiba ame hard copy output device babuj ko jiba. Tala hard copy output device pila mane kono namu koitili the output which are prepared with the help of monitor printer, with the help of printer, that output or those outputs are known as hard copy output. Jo output ta ko ame printer sahaje taiyari karu, jo output ta ko ame dekhiba sange sange taku ame touch kari pariba, taku ame dhari pariba, taku sei bhali output ko ame hard copy output boli kahiba. तुम्हें देखी थी साधारणतः आम कौन जिन प्रिंट करदेव से कंप्यूटर स्क्रीन में जहाँ थाए से कंप्यूटर स्क्रीन थी जो प्रिंट करदेबू हाथ धरवु हाथ धरले से गोटे आउटपुट जहाँ को आम देख भी पार्ल छुई भी पार्लु कि मनिटर भितर जो आउटपुट अच्छी से मनिटर से आउटपुट को आम केवल देखिपर कि छुई पारा ना तेणु से प्रकार आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कह जाए तेणु दि एग्जांपल ऑफ हार्ड कॉपी आउटपुट इज कॉल्ड प्रिंटर आम हार्ड कॉपी आउटपुट एग्जांपल जदि नबा ताको हमें प्रिंटर बोली कहिबा एंड एठी भी हमें जेंति मॉनिटर को कहितलु नंबर ऑफ टाइप्स एठी भी हमरो प्रिंटर को पुनी दुई भाग रे विभक्त करा जाय मिला माने मन रखियो प्रिंटर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स प्रिंटर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स वन इज कॉल्ड इंपैक्ट प्रिंटर अनदर इज कॉल्ड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर उटाला इंपैक्ट प्रिंटर आ उटाला नॉन इंपैक्ट प्रिंटर What do you mean by impact printer and what do you mean by non-impact printer? Impact printer कहाँ कोई बा? आउ non-impact printer कहाँ को हमें कोई बा? देखिए पहला मने तुम्हों घरों को जो इलेक्ट्रिक जो मास्टर पूजी गले जो इलेक्ट्रिशियन आसन्दे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट रो लोको आसन्दे नेस्को रो लोको आसन्दे आज के इलेक्ट्रिक बिल तुम्हों को दियों दी देखिए बा तांका सामान गुड़े छुट्टिया मशीन दे धरती बे से तेरे कौन करिबे टाइप कर देबे तुम्हारो केते बिल मीटर केते उठी टाइप कर देबे टाइप करके स्विच दे देने कट 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 हो गुटे बिल भारी आसो हाँ कि नहीं तो सही जो प्रिंटर टा प्रिंट करे दैट प्रिंटर इज कॉल्ड एज इंपैक्ट प्रिंटर आउ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कोनटा तमरो जो बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स आर तुम स्टूडियो जो फोटो जो स्टूडियो रे तुम फोटो प्रिंट करो किबा जो तुम जेरॉक्स मशीन कथा कहो हैला कि से जो जेरॉक्स मशीन किबा तुम फोटो स्टूडियो रे जो प्रिंटर यूज करा जाय से प्रिंटर को कोन कह जाय नसला नॉन इंपैक्ट प्रिंटर त जदी हम डेफिनेशन को जिबा डेफिनेशन एक्चुअली कोन चाहू छी ना देखो The printer which leaves impression on the paper at the time of printing is called as impact printer. जो printer डा printing time रे paper ऊपर उड़े impression create करे, paper को बाढ़ने की print करे, से प्रकार printer को हमें impact printer बोली कोई बात। मनोज क्यों पिला मने? The printer which leaves impression on the paper at the time of printing is called as impact printer. And the best example of impact printers are or is हमें तो कोई is बोली कोई बात। कोटे example लिखी बात। कौन DMP DMP which stands for dot matrix printer आपको हमें कौन कहिबा dot matrix printer बोली कहिबा कौन कहिबा पिला माने dot matrix printer बोली कहिबा तुम्हें समस्त कह सर dot matrix printer आम तो केबे देखिनु तुम्हें समस्त देखिछ बट तुम्हें ताको भलो कि नजर करिन whether that device is called as DMP dot matrix printer or not कौन देखिछ कहिबी देखो जे कथा प्रथमे कहली जोंटा तुम्हारे इलेक्ट्रिशियन जोंटा यूज करंती इलेक्ट्रिक बिल जोटा यूज कर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ गोटे बेस्ट एग्जांपल तुम्हें जदि केबे स्टेशन को जाई कि बुकिंग काउंटर टिकटे काटि थिबो तुम्हें कोठ कि जीव स्टेशन मास्टर तुम्हें जाई पहुंचल स्टेशन मास्टर पचार आज कौन की जीवे ना मुझे भुवनेश्वर जी कौन थे जी ना धोली एक्सप्रेस जी से कौन करेंगे कि समय एमती करदे कर सारा स्विच टा गोटे प्रेस करदे देखिए सर गोटे प्रिंटर अच्छी से बहुत कष्ट हुए प्रिंट करते गोटे साउंड करके प्रिंट कै ए प्रिंटर टाक कह जाए कौन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बिकॉज दिस प्रिंटर प्रिंट्स द कैरेक्टर बाय क्रिएटिंग सम नॉइज नॉइज क्रिएट करके जे प्रिंटर प्रिंट करे काई नॉइज क्रिएट करिवो तार कि खुशी लागु जे नॉइज प्रिंट करिया को ना से काई ना से पेपर दे को पेपर दे घसी के प्रिंट करे आ पेपर जो कैरेक्टर गुड़ी के बाडेबो पेपर जो कैरेक्टर गुड़ी को बाडेबो केमिति बाडेबो कोन बाडेबो से बाबत रे मु क्लास आरंभ हले मु डिटेल्स डॉट मैट्रिक्स बाबत रे डिटेल्स फॉर्मेट करके तुमको बुझेबी तमे समस्त बुझी जाई परिवो एबे खाली मने रखो DMP is called dot matrix printer which prints the character by pressing by create the impression on the paper paper upre impression create karke jo the mane print karuchi se printer ko ame impact printer boli ko and the best example of impact printer is dot matrix printer boli koiba auta jodi ame asiba non impact printer kotha koiba non impact printer kono na this printer uses various advanced technologies so that it does not create any it does not create any noise se konisi noise create karibo ne tumhe dekhibo aaj ka date re jo xerox machine gudi ko asuchi
से मेसिन उपरे तमे जेरक्स फ्रिज मार दो सुन के ना गुडे पेपर प्रिंट बाहरी पळे आसीबो काई कि बिकॉज दे आर यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी सो दैट नो नॉइज इज रिक्वायर्ड काई ना से पेपर उपरे प्रेशर दे के प्रिंट कर नांती पेपर को बाडे के प्रिंट कर नांती जस्ट खाली पेपर उपरे गुडे फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी यूज करा जाउची एथि पई कि ए प्रिंटर गुडी को कह जाए नॉन इंपैक्ट प्रिंटर बिकॉज इट डज नॉट क्रिएट एनी शेप ऑन द पेपर पेपर उपरे कोनोसी शेप आसीबो नाही तमे देखिबो गुडे छोटो एग्जांपल देबी तो मैंने समस्त देखे जो कचेरी को जाइव टाइप मेसीन देखी थी देखो टाइप मेसीन जो टाइप मैंने टाइप करते सी कौन करेंगे गोटे ए गोटे स्विच टाक प्रेस करदे से ए स्विच टाक प्रेस करदे गोटे लिभर भाया गोटे थी प्रेस कला मात्र से लिभर टाइम पेपर उपर धड़स कि बाड़ब ढक कि बाड़ब से ही टाइम तुम कौन कर पेपर टाक बाहर कर आनब से पेपर बैक साइड हाथ मार आग पटे तो ए प्रिंट हो बैक साइड हाथ मार देखो गोटे 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 सेफ क्रिएट हो बैक साइड तेनालीर जो इंपैक्ट प्रिंटर क्या कहली डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से समान पैटर्न में प्रिंट करे से समान पैटर्न में प्रिंट करे पेपर उपर जेतु से इंप्रेशन क्रिएट करियो पेपर उपर जेतु गुटे छाप दे जीवो पेपर उपर गुटे शेप तैयार कर दे पळेबो तो से प्रिंटर ताको हम इंप्रेशन अमर इंपैक्ट प्रिंटर बोली कहू आ ए प्रिंटर इज वेरी माने टेक्नोलॉजिकल साउंड प्रिंटर आ जदि एग्जांपल देखिबा आरो एग्जांपल दुईटा एग्जांपल आरो अछि गोटे लेखनीय होउछि अमर लेजर प्रिंटर गोटे लेखनीय लेजर प्रिंटर आउ गोटे जो प्रिंटर आम देखा से प्रिंटर कौन जान ना दिस प्रिंटर इज कॉल्ड एज इंक जेट प्रिंटर दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिंटर्स यूज्ड बाय वेरियस प्लेसेस ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर विभिन्न जगार ये प्रिंटर गुड़िक यूज कराए गोटे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आउ गोटे लेजर प्रिंटर आउ गोटे इंक जेट प्रिंटर तुमको सर जदि गुड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हुए व्हाट इज द यूज ऑफ मैं आर काम कौन आम कहीं यूज करवा इट क्रिएट नॉइज इट कंज्यूम्स मोर इलेक्ट्रिसिटी इट प्रोवाइड पुअर क्वालिटी ऑफ आउटपुट ये आउटपुट भी खराब आउटपुट दिए देखा आदू भल लगे ये कलरफुल आउटपुट दिए एकदम नीट एंड क्लीन आउटपुट दिए आम एटा को यूज करवा कहीं यूज करवा ना दीटा कारण प्रथम कथा जे दिस प्रिंटर इज भेरी चिप एज कंपेयर टू दिस प्रिंटर ए प्रिंटर गुड़िको आम जब कंपेयर करवा सहित ए प्रिंटर टा सबुठ सस्ता ए एकदम कम पैसा एटा हो गए कौन दिस प्रिंटर हेज ओनली दिस प्रिंटर हेज द कैपेबिलिटी दैट दिस प्रिंटर कैन क्रिएट द कार्बन कॉपी फैसिलिटीज ए प्रिंटर कार्बन कॉपी फैसिलिटीज प्रोवाइड करि परिबो ए माने पारिबे नाही कार्बन कॉपी ए माने केबे चाहिले भी दे परिबेनि दे कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर पेजेस अधिक एक रु अधिक पेज से हजार हजार पेज प्रिंट कर देबे गोटे मिनिट रे पाखा पाखी बाहरी आसो चालीस पचास पेज प्रिंट एथरे प्रिंट हो बाहरी आसो ए प्रिंटर गुड़ी करे किंतु ए जो प्रिंटर ये गोटे मिनिट रे बोधे गोटे दी पेज प्रिंट करिबो किंतु आर गोटे मेरिट्स हला आर गोटे एडवांटेजेस हला दिस प्रिंटर इज यूज टू प्रोड्यूस कार्बन कॉपी पेपर कार्बन कॉपी माने बुझी पड़ते ना गोटे पेपर रहिबो ता तळे गोटे कार्बन कॉपी ता तळे आ गोटे पेपर एका टाइम रे तीन चार कॉपी प्रिंट हो आसी परिबो सो दैट कार्बन कॉपी साधारण गवर्नमेंट ऑफिस गुड़ी करे कार्बन कॉपी दरकार हुए गोटे कॉपी से माने हायर अथॉरिटी को देबे गोटे कॉपी निजे पाखरे रखिबे सेहिति पई बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिस रेलवे स्टेशन बैंक गुड़ी करे ए बलिया प्रिंटर गुड़ी को यूज करा जाए दिस प्रिंटर इज कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड दिस प्रिंटर्स आर कॉल्ड एज नॉन इंपैक्ट प्रिंटर व्हिच द एग्जांपल्स आर लेजर प्रिंटर एंड इंक जेट प्रिंटर बुझिपारे पिला माने दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट वन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट एंड अनदर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी आउटपुट तो पिला माने आज जो पाठ गुड़ी को पढ़ेली आशा रखी तुम मैंने घर पाखे भल भाव पढ़व आगुड़ी भल भाव मन रखी आज जो किसी असुविधा हुए जो जगह किसी प्रॉब्लम है पिला माने यही नंबर मुझे लिखुची नंबर तुम मैंने मत कल करको समय संध्या सका सात रु रात नौटा भितर तुम मैंने मत कल कर नंबर में कल कर कल कले तुमको जो किसी डाउट थे से डाउट को तुमको क्लीयर करने को चेस्टा करी थैंक यू स्टे सेफ स्टे होम।